विधानसभा से पहले विधायक आशीष शर्मा ने कमर कस ली है। विधायक शर्मा आदिवासी लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाते हुए जनसंपर्क कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को नजदीक आते देख मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक सक्रिय हो गए हैं। देवास जिले के खातेगांव विधानसभा से विधायक आशीष शर्मा ने इलाके के आदिवासी वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया है। इस दौरान वे आदिवासी लोगों के बीच न सिर्फ शिवराज सरकार की योजनाओं का बखूबी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार की और मोदी जी की सरकार की कई सारी योजनाएं आप लोगों के बीच पहुंच रही है। जननी एक्सप्रेस की गाड़ी पहुंच रही है, महिला की डिलीवरी करा रही है, आंगनवाड़ी में टीकाकरण हो रहा है, गर्भवती महिला की स्वास्थ्य जांच हो रही है, 6 साल तक के बच्चों को पोषण आहार मिल रहा है, घर में किसी महिला को डिलीवरी होने वाली हो तो जननी एक्सप्रेस की गाड़ी लेने के लिए आ रही है, 1400 रुपए का चेक देके जा रही है। आज मध्य प्रदेश की सरकार खास करके हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और आदिवासी भाइयों के लिए इतना बड़ा बजट शिक्षा पर खर्च कर रही है जितना आज तक किसी सरकार ने खर्च नहीं किया। मैं कई सारे आदिवासी गांव में जाता हूं, वहां के बेटा बेटियों को जब पूछता हूं कि तुम कहां पढ़ रहे हो और कोई बताता है कि मैं इंदौर पढ़ रहा हूं, मैं भोपाल पढ़ रहा हूं, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं, मेरा बेटा तहसीलदार बन चुका है, मेरा बेटा पटवारी बन चुका है, और वास्तव में लगता है कि आज विकास हमारे उन गाँव तक पहुंचा है जहां पर विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन महाराजाओं को गरीबों की तकलीफ का एहसास नहीं है। एक पानी की केतली जिसमें चाय भरोगे गर्म तो गर्म रहेगी, ठंडा पानी भरोगे तो पानी ठंडा रहेगा, और एक पांव में पहनने की बहुत बढ़िया कंपनी की चप्पल और तेंदुपत्ते का बोनस, 15 दिन में ये बोनस और ये राशि आप महिलाओं को मिल जाएगी, और जो पुरुष भाई हमारा तेंदुपत्ता तोड़ते हैं उनको भी पैर में पहनने के लिए जूते और एक पानी की केतली शिवराज जी की सरकार दे रही है। क्या आपको कभी दिग्विजय सिंह ने पानी की केतली दी? क्या कभी अर्जुन सिंह की सरकार ने गाड़ी दी? क्योंकि वो करोड़पति अरबपति लोग हैं। अर्जुन सिंह महाराजा, सिंधिया साहब महाराजा, दिग्विजय सिंह महाराजा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनने कभी चूल्हे पर रोटी नहीं बनाई, इंदिरा गांधी कभी झोपड़ी में नहीं रही, उसको नहीं मालूम कि झोपड़ी में कैसे पानी टपकता है, उसको नहीं मालूम कि चूल्हा जलाने में मेरी बहन बेटी को कितनी तकलीफ आती है। ये तकलीफ को उनको मालूम, नरेंद्र मोदी को, उनकी माँ ने चूल्हे पे खाना बनाया, शिवराज जी ने खेत में हल बखर चलाया। तुमने कभी दिग्विजय सिंह को खेत में हल बखर चलाते देखा, खाद फेंकते देखा, दवाई का स्प्रे करते देखा? नहीं करा उन्होंने, उनको मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको कभी मालूम ही नहीं कि खेती कैसे होती है कैसे नहीं होती है। ये सब चीजों की जानकारी शिवराज जी को है, और इसलिए खेती कैसे लाभ का धंधा बने इसके लिए भी शिवराज जी ने काम किया। कुल मिलाकर मिशन 2018 को मुहाने पर देख विधायक आशीष शर्मा ने अपने क्षेत्र में चुनावी पसीना बहाना शुरू कर दिया है और वे पूरी तरह से मैदान में उतर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देवास।